बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे इंट्रो में देख ही चुके होंगे बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तो इस तरीके का स्टेटस जो है आपको क्रिएट करना है, तो किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। काइन मस्ट ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 9.16 का रेशियो ले लेते हैं, 16.9 का। सेटिंग पे आएंगे, यहाँ से एडिटिंग पे क्लिक करके यहाँ से हम रेशियो जो है 2.5% ले लेते हैं, 2.5। मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़ोटो पे आएंगे, फ़ोटो पे आने के बाद यहाँ से हम कुछ फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको पैन एंड जूम कर लेते हैं, सब फोटो को जो है पैन एंड जूम कर लेंगे हम, इस तरीके से पैन एंड जूम करने के बाद में दोस्तों पे कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हम गोस्ट स्प्लिट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ के 5 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम ड्यूरेशन जो है वो 1 पॉइंट दे देते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके बाद दूसरे पे क्लिक करके कर लेते हैं इसको ज़रा, को भी करके इस तरीके से ड्यूरेशन जो है 1 पॉइंट रखेंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे इसको भी, और एक लास्ट रह गया, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इस वाले को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम फोटो को जो थोड़ा सा कम कर लेंगे, इधर से भी कम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी गैलरी के अंदर। एक्सपोर्ट होने के बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं बैक, मीडिया पे किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेशियो जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3.4 का, मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ जिसका बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे इस तरीके से, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम बढ़ा लेते हैं 10 सेकंड तक, जितना हमारा वीडियो का लेंथ है। इसको हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हमें एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, टेम्पलेट फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो कि मैंने कैनमास्टर से ही बना रखे हैं, आप भी इनको क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके। मैं इसको कर लूँगा स्प्लिट स्क्रीन, इसको भी कर लेते हैं वीडियो का एंड तक, आप जितना चाहें रख सकते हैं। मीडिया पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से एक वीडियो को ऐड कर लेते हैं जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था, उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसके लेयर पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, इसको क्रोमा के इनेबल कर लेते हैं, और जो वीडियो लेयर है इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको सेंड टू बैक कर दें कुछ इस तरीके का, और इसके लेयर को जो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक कर मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हमें एक लाइटनिंग वाला इफेक्ट लगा लेना है, इस तरीके से इसके ऑडियो को जो हम म्यूट कर लेता हूँ, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग पे आएंगे, ब्लेंडिंग पे आने के बाद स्क्रीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, लेयर पे क्लिक कर मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम जो लिरिक्स वाला है हमें वो लगा लेना है, लिरिक्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, इसको नीचे ब्लेंडिंग पे आएंगे, यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे,
ठीक है, इसके भी ऑडियो को मैं म्यूट कर लेता हूँ अभी आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये बनके जो है हमारा रेडी हो जाएगा, इसको हम प्ले करके देखेंगे। कुछ इस तरीके का जो है हमारा वीडियो प्ले होगा, तो स्टेटस हमारा जो है बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए